मनुष्य के मन को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उसको एक तो सुख चाहिए या उसको दुख चाहिए। आदमी सुख के पीछे दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और हरदम दुखी रहता है। वो शून्यावस्था में नहीं रहता, खाली नहीं रहता कि मन खाली है। एक तो सुखी है ना तो फिर दुखी है। दुख नहीं है तो दुख जमा कर लेगा। देखो अहंकार जो है, मैं मेरा, इसको भोजन चाहिए। और भोजन किसका? एक तो सुख का चाहिए या तो एक तो दुख का चाहिए। सुख नहीं मिलता है तो वो दुख जमा कर लेगा, कहीं ना कहीं दुखी होगा, बताएगा कि मैं कितना दुखी हूं। देखो दुखी जो है उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। यदि बच्चा रो रहा है तो उसके तरफ माँ देखती है, बच्चा खेल रहा है तो नहीं देखेगी। तो बचपन से हम यही सीखे हैं कि हमको नहीं मिला, बच्चा रोता है तो माँ ने ख्याल दिया, बच्चा रोता है तभी उसके पास में जाएंगे, उसकी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे, उसको समझाएंगे, खेल रहा है बोले तो देखने नहीं पड़ता। तो हमने बचपन से ये सीखा है कि दुख है, रोना है तो लोग अपने तरफ आकर्षित होते हैं। तो लोगों को आकर्षित करने का तरीका आदमी ने सीख लिया है कि भाई दुखी रहो, वो दुख का किनारा वो जल्दी पकड़ लेता है। जब कोई तुम्हारा दुख सुन लेता है तो आपको अच्छा लगता है। देखो ना, काफ़ी महिलाओं को पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, इधर दर्द उधर दर्द, कुछ ना कुछ बीमारी है। तो ये देखा गया है कि उनको पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सांस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको दुखी रहना पड़ता है। जैसा बच्चा रोता है वैसा महिला भी रोती है, उसको क्राई फॉर हेल्प है, क्राई फॉर हेल्प कि मुझे कुछ तुम्हें मदद करो। दुखी हो जाती है कि दुखी हो गए तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, और वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दुखी बताना पड़ता है, तभी लोग देखते हैं अपनी तरफ, नहीं तो क्यों देखेंगे। जब आप दुखी होते हो तो लोग आपको मिलने के लिए आते हैं, और दुखी आप जब है तो लोग मिलने के लिए आएंगे। सुख है तो लोगों के दिमाग में आपके बदले कुछ ना कुछ मत्सर द्वेष आ जाएगा कि नहीं तुमने बड़ा मकान लिया। लोगों को बाहर से बताएंगे हाँ अच्छा हो गया, अंदर से तो जल रहे, आपने कुछ बड़ा दुकान लिया, बड़ा बिजनेस किया। हाँ लोग आएंगे, आपने रिसेप्शन दिया, आपने गृह प्रवेश किया, लोग आएंगे, खाना खाएंगे, बोलेंगे वाह वाह अच्छा हो गया, मगर अंदर से जलेंगे। जब आप दुखी हो तो आपके पास में लोग आएंगे, बोलेंगे अभी मुझे मौका है बड़प्पन बताने का, आपको समझाने का, मुझे कुछ नहीं है, आप दुखी है तो मैं आपको समझाऊंगा। तो दुखी आपको देखते हुए लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं ये दुखी है तो आज मौका है मेरे को उसको नीचा बताने का है, तो नीचा मैं ऊपर हूं। तो लोग आते हैं, मिलते हैं। जब आप दुखी होते हैं, जब रोते हैं तो कोई मर गया तो हाँ लोग आते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। तो एक्चुअली वो अंदर से वो खुश होते होंगे कि नहीं चलो अच्छा हो गया, सबक मिल गई, बहुत बड़प्पन बता रहा था। अंदर से तो सुखी होंगे मगर बाहर से बताते कि कितना हम दुखी है और हम तुम्हारे साथ में। कोई धर्म में 30-30 दिन लोग उपास करते हैं, जब खुद को दुख देते हैं तो लोग मिलने आते हैं, बोले उपास कर रहा है, संथारा व्रत है या जो भी कुछ होगा, लोग मिलने आते हैं, पैर पड़ते हैं, पैर छूते हैं। लोग कांटों पर सोते हैं 30-30 दिन तो लोग मिलने आते, देखो कितना दुख खुद को करके ले रहा है, तो लोग मिलने आएंगे, बोलेंगे कितना बड़ा आदमी है। तो जब आप दुखी है बताते हैं तो लोग आपको मिलने आते हैं, लोग आपको बड़ा समझते हैं, लोग आपके आंसू पोंछते हैं, लोग आपको आपके साथ में आके बैठ जाते हैं, बोले देखो एक तो बहुत बड़ा आदमी है या फिर अभी मुझे बड़ा होने का मुझे भी एहसास हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर तुम सुखी हो तो लोग नाराज हो जाते हैं, बाहर से बताएंगे कुछ भी मगर अंदर से नाराज है, आपकी तरक्की हो रही है, आप बड़े हो रहे हैं, आपको बड़ा बिजनेस मिल गया, आपको बड़ा दुकान मकान चालू किया, तो लोग अंदर से नाराज होते हैं, बाहर से नहीं बताते हो। तो क्या है कि मोह माया ये जो है इसके पीछे हम दौड़ते हैं, ये बड़ा लगता है, एक्चुअली वो भी दुख देता है। तो दुखी मत बनो, मोह माया के पीछे पड़ेंगे तो दुख होगा, मोह माया के पीछे पड़ना ही नहीं है। तो मोह माया से आपको लगता है कि मुझे बहुत सुखी है मगर लोग दुखी हो जाते हैं। मोह मतलब मैं जो मेरे पास में है वो टिकना चाहिए, उसको हम मोह बोलते हैं। लोभ या माया जो है कि भाई जो मेरे पास में नहीं है वो मुझे मिलना चाहिए, जो नहीं है वो भी मिलना चाहिए। अब इसके पीछे दौड़ते दौड़ते होता क्या है, दुखी है तो एक तो लोभ मोह माया ये चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए आदमी दौड़ेगा,
या नहीं है वो, तो फिर दुख चाहिए, दुख खींचेगा अपने तरफ और दौड़ेगा। अब दोनों के बीच में रास्ता क्या है? ना सुख है ना दुख है, रास्ता है कि शून्य अवस्था, समाधि अवस्था। क्या हम हमारे रोज के जीवन में वो ला सकते हैं? सुख में ना सुख है, दुख में ना दुख है, हम स्थिर है, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञता, शून्य अवस्था, क्या हम वो ले सकते हैं? क्योंकि हमको लोगों से कुछ करना ही नहीं, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों ने आके आंसू पोषना, या लोगों ने हमारे से जलना, करना क्या है? आपको अंदर से शांति, सुख, समाधान, आनंद ये मिलना जरूरी है। और वो यदि मिलता नहीं है तो फिर फायदा क्या है? तो आप स्थित प्रज्ञ बनना सीखो, शून्य अवस्था में जाना सीखो, समाधि अवस्था में जाना सीखो, वही आपको मोक्ष प्राप्ति देगा। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकरिया नाम का, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो, काफ़ी सारे उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कुछ वीडियोज़ है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो आप खरीद सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।